बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब एक बहुत बड़ा दांव चला है और दांव तेजस्वी यादव के कंधे पर रख बंदूक चला दिया है। ऐसे में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने का रास्ता स्पष्ट तौर पर साफ हो गया है, लेकिन तेजस्वी के कई बड़े नेताओं का रास्ता भी अब नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है। नीतीश कुमार के मुताबिक तेजस्वी के कई बड़े नेता जो अनर्गल बातें कर रहे हैं और अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, ऐसे नेताओं का अब कोई खैर नहीं, लेकिन नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को ईडी और सीबीआई से बचाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े चेहरा के तौर पर सामने लाएंगे और बिहार के मुख्यमंत्री भी बनाएंगे, ऐसी राजनीतिक सूत्र और बिहार के गलियारों में राजनीतिक माहौल में ऐसी खबरें चल रही है। लेकिन इस बात की पुष्टि आईटीटी नहीं करता, लेकिन इस बात को लेकर के कई बड़ी जानकारियां आप तक देने वाले हैं और विस्तार से बताने वाले हैं कि तेजस्वी यादव किस तरीके से 2024 के चुनाव को लेकर के इस वक्त मजबूत प्रणाली और मजबूत प्रयास को करते नजर आ रहे हैं। आइए विस्तार से बताते हैं, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े उम्मीदवार के साथ एक सबसे बड़े चेहरा हैं और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने के साथ ही बिहार के कई क्रियाकलाप हो सकेगा और बिहार का बेहतर भविष्य बन सकेगा, तो आज आप इस वीडियो पर 10,000 लाइक कर अपना सपोर्ट समर्थन जरूर दिखाइएगा और अपने समर्थन के साथ यह बताने का प्रयास कीजिएगा कि 2024 में किसे आप देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और किसे आप बिहार के मुख्यमंत्री के लिए सबसे बड़े उम्मीदवार मानते हैं। नीतीश कुमार ने साफ तौर पर यह बात आज विधायकों के बैठक में स्पष्ट कर दिया कि जो भी बड़ा फैसला होगा वह पार्टी के सभी नेताओं से मिल करके, सभी नेताओं से बातचीत करके और जो भी उनका सहमति होगा उस पर मुहर लगाई जाएगी। सिर्फ एक दो नेता नहीं बल्कि पार्टी प्रमुखों के साथ पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं की बैठक में ही कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा और इन फैसलों का सम्मान पार्टियां करेंगी। लेकिन इसी के साथ ही कई अन्य बड़े दरवाजे भी खुले हुए नजर आए और सबसे बड़ा सवाल का घेरा इस बात को रहा कि नीतीश कुमार क्या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो बात स्पष्ट है, लालू प्रसाद यादव तो पटना से दिल्ली गए थे ताकि अपने इलाज को करा पाए, ब्लड टेस्ट के साथ ही उन्हें सीधे दिल्ली से बेंगलोर जाना था क्योंकि उन्होंने पटना एयरपोर्ट पर बातों को भी रखते हुए यही बात कही थी कि दिल्ली से बेंगलोर और बेंगलोर से आएंगे तो आप लोगों से बातें करेंगे, पर तेजस्वी यादव के साथ ही दिल्ली से वापस चले आते हैं, यानी कुछ ना कुछ और भी जियां दाल में निकल कर सामने आया है। ऐसे में बिहार की जियां जो सियासत खिचड़ी है वो कुछ इसी प्रकार से पकती है। लेकिन इस बार सावन के पावन महीनों में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, ऐसी उम्मीद के साथ सवाल तमाम प्रकार से हैं जो सवालों का जवाब अब मिलना शुरू हो गया है। अब उम्मीद लगी है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े उम्मीदवार के साथ उन्हें मुख्यमंत्री बना सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो जेडीयू का क्या विलय होगा आरजेडी में, ये भी देखने वाली बात होगी, वक्त बताएगा।